क्या बम तुझे बांधे राखी? अरे गिफ्ट मेरा, क्या बात कर रहे हो? अच्छा ओ ओ गिफ्ट भी देना होता है क्या? भैया प्लीज, हाँ बहुत वेट किया मैंने वहाँ पे। लाया क्या? लो भैया तुम्हारी रोली। Guess who has a रोली? Love you. Thank you so much, bye. हाँ जी आपकी बारी, निकालिए मेरा गिफ्ट। एक से काम नहीं चलेगा। भाई कितने हैं मेरे? दो। तो फिर एक से काम कैसे चलेगा? अच्छा तो ना क्या कर रहे हो? मेरा गिफ्ट किसके पास है? आपके पास ही होना चाहिए ना। भूल गया ना? हाँ एक सेकंड, रक्षाबंधन एक बार आता है साल में, उसमें मेरा गिफ्ट भूल गए। नहीं बात करती हूँ आपसे। ये देखो एक्टिंग देखो इसकी। नहीं एक्चुअल में हॉट हूँ। आज से पहले कभी तेरा गिफ्ट भूला हूँ? नहीं। कभी भूला हूँ? नहीं। मार पड़ेगी। रोली पक्का चढ़ा के बन गए? आगे बन गए। ओके 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 ओके। टेने टेने टेने। ये ले। यस। ओह माय गॉड। काव्या पुत्र बस अब तू बांध ले अपने छोटे भाई को राखी। आ जा। निधि कहाँ है? मैं यही हूँ। इतना खतरनाक है कि अगर एक बार किसी को काट ले तो सामने वाला 45 मिनट में सीधा ऊपर। अरे इस तरह बैठो। चलो चलो बड़ों की बात मानते हैं। रक्षाबंधन वादा है या धागा है प्यार का, ओ धागा है प्यार का, थोड़ा सा है चंदन छोटा सा है टीका, बंधन जिंदगी का रक्षाबंधन। मैं ले दूँ। मैं उठाती हूँ उसको। पकड़। ये देखो ये वाली राखी मैं कृष्ण जी को पहनाऊंगी और ये आप। बहुत खूबसूरत है। सब तैयारियां हो गई ना? हाँ कुछ मिस तो नहीं हो गया? अरे खीर, कृष्ण जी की खीर तो रुक जा मैं लेकर आती।
काव्या जी, काव्या, काव्या, अब मम्मा आपको अपने से दूर एक दिन भी नहीं रखी थी। ये मेरे भाई है दी, काव्या अंगूठा के भाई, देखना बहुत स्मार्ट होगे। आज से इनका नाम है रुद्राक्ष और शौर्य। रंगीली, अरे ओ रंगीली कहाँ छुप गई? गजब, दोगुना दाम और गजब का काम, यानी कि सांप से कटवाने के भी पैसे और सांप के भी पैसे। मुझे मेरी रंगीली चाहिए, वही मुझे पैसे कमवा के दे सकती है। अगर रंगीली मिली नहीं तो मेरे किस काम की? चल बेटे रंगीले, ढूंढ अपने रंगीली को। बस एक बार मुझे मेरी रंगीली मिल जाए, उसे पिटारे में बंद कर दूंगा। मैडम से कह दूंगा कि मेरी नागिन गुम गई और उनसे नागिन के पैसे ले लूंगा। नागिन भी मिल गई और फ्री के पैसे। इसको कहते हैं सांप के सांप और फ्री के पैसे। काम होता है ऐसे। मैं डॉक्टर को ट्राई करता हूँ। आराम से, आराम से। काव्या को सांप ने डस लिया। अरे इसे बेहोश नहीं होने देना। आंखें खुली रखो। काव्या आंखें खुली रखो। घर में सांप कहां से आया? हे भगवान, ये सांप इस घर में कैसे आया? अगर इसकी जड़ तक ये लोग पहुंच गए ना तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। बड़े पैसे वाले लोग हैं ये, मुझे तो छोड़ेंगे नहीं। चल पूरा ढूंढ अपनी रंगीली को। ये तो उसी सांप ने काटा है जो बहुत खतरनाक है, जिसके काटने से इंसान के बचने के चांसेस जीरो। नहीं 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 नहीं, काव्या को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जाके अभी पूरा से पूछती हूँ। सांप के काटने का कोई ना कोई तो तोड़ होगा ना। मुझे किसी भी तरह काव्या को बचाना होगा। इतनी जल्दी तो जितनी हेल्प बन पड़े उतनी करूँगी। माँ हूँ, जिंदगी देने वाली माँ होती है ना। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। आप लोग प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। डॉक्टर को फोन मैं करता हूँ। काव्या, निधि, मेरा दुपट्टा, निधि, निधि, दुपट्टा। तुम काव्या को देखो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। थोड़ा जल्दी प्लीज। हाँ काबू, क्या है? बोल रहा था ना तुम्हें छुपे रहना, बाहर मत आना। फिर बाहर क्यों आए? पता नहीं है, इस घर के लोग ना नाक जैसे डस लेंगे तुम्हें। मैडम मैं आपका गुलाम नहीं, मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ। मैंने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। आप जैसा चाहेंगी मैं वैसा करूंगा। आप कहेंगी बैठ तो बैठूंगा, आप कहेंगी उठ तो उठूंगा, और आप कहेंगी कि तो डांस कर तो नागिन डांस करूंगा। शट अप मैडम, शट अप आप हो जाइए। इस घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है। हादसा? कैसा हादसा? मैडम जमान कट गई है मेरी। आपको पता है वो कितनी खतरनाक और जहरीली नागिन है? उसका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगा। क्या मैडम, आपने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है।
अगर 15 मिनट में उस बच्ची को डॉक्टर नहीं मिला ना तो वो दम तोड़ देगी। मेरे पास जहर मारने की दवा है, मैं उसे जा रहा हूँ बचाने। कहीं नहीं जाना। क्या कहीं नहीं जाना मैडम, वो बच्ची मर जाएगी। हाँ तो मरने दो ना, तुम्हें क्या है? है मरती है तो मरे। मेरा पर्दाफाश नहीं होना चाहिए, किसी के सामने मेरा सच नहीं आना चाहिए। अगर तुम यहाँ से बाहर निकले ना तो लोग सवाल करेंगे कि तुम इस घर के अंदर कैसे आए, समझे? और फिर तुम जो भी बोलोगे सब लोगों को मुझ पे शक हो जाएगा। मुझे ना मुझ पे शक नहीं चाहिए। अरे मैडम, किसी पे शक नहीं होगा। मैं झूठ बोल दूंगा कि मैं उस गली से गुजर रहा था, मेरा साहब मेरे पिटारे से निकल के उनके घर में आ गया, मुझसे लेने आया। तो ना धीरे बात करो। और दूसरी बात, इस घर में समझदार लोग रहते हैं, ठीक है? किसी को शक नहीं होना चाहिए, मैंने कहा। अरे मैडम, नहीं होगा शक। शक से तो बड़ी जान है, वो बच्ची मर जाएगी। मेरे को मरने दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है? मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी अपना मुंह बंद रखने के लिए, ठीक है? और अब मैं ये दरवाजा लॉक करके जा रही हूँ। लॉक? हाँ लॉक। शॉक लगा? मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम फिर से बाहर जाओगे, और तुम बाहर जाओगे तो फिर शक की सुई तो मुझ पे घूमेगी ना, फंसूंगी मैं। अब चाहे एक जान जाए या 100 जान जाए, मैं नहीं फंसूंगी। मैं अपने आप को बचा के रहूंगी, इसलिए लॉक करके जा रही हूँ। चुपचाप यहीं रहना। शौर्य क्या हुआ, चोट कैसे लगी? सांप नहीं, इस टेबल से चोट लगी मुझे। गिरीश फर्स्ट एड किट ले आना। काव्या, काव्या डॉक्टर आने वाला है। काव्या, काव्या आंखें खोल। कुछ नहीं होगा तुम्हें डॉक्टर। काव्या, कब से डॉक्टर का फोन कर रखा है, डॉक्टर आ क्यों नहीं रहा है? यार फोन करना उसको, एक बार पूछ। काबू मुझसे बात कर, आंखें खोल, आंखें खोल, डॉक्टर आने वाला है, मुझसे बात कर, आंखें खोल। काव्या कुछ नहीं होगा, काव्या आंखें खोल। अरे डॉक्टर आएगा कैसे, तो फोन नहीं उठा रहा अब तक। अरे करण छोड़ना, उस डॉक्टर को, डॉक्टर शर्मा को फोन लगा। डॉक्टर शर्मा? दीदी आंखें खुली रखो, दीदी कम ऑन, डॉक्टर शर्मा पिक अप द फोन। ये डॉक्टर शर्मा भी फोन नहीं उठा रहे। मैं लेके आता हूँ डॉक्टर को, मैं ऋषभ के साथ जाता हूँ, मुझे शॉर्टकट पता है। भाई अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कौन सा सांप था, किसने काटा, कितना जहर चढ़ा ऐसे, क्या करें भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली मैंने अभी अभी ना इंटरनेट पे रिसर्च किया है, काव्या को जिस सांप ने काटा है ना वो बहुत ही जहरीला है, बहुत खतरनाक है, उसका जहर पूरी बॉडी में बहुत जल्दी फैल जाता है। उसका जहर फैलने से रोकना होगा हमें ना, काव्या को एंटीवेनम इंजेक्शन देना होगा। वो क्या होता है? विषनाशक इंजेक्शन। हाँ तो मंगाओ ना, लाओ ना, कौन लाएगा? डॉक्टर ले आएगा। डॉक्टर का फोन ही नहीं कोई उठा रहा। मेरी भूल सी बेटी, मेरी परी, मेरी राजकुमारी, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरी निधि मॉम है तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं हो सकता। काव्या प्लीज आंखें खोल के रखो। काव्या बहन को काटने की सोचना भी मत।
ये क्या कर रहा है? यहाँ पे थूक रहा है? गुरप्रीत जी यहाँ बिठाइए ना दी को। दी दी यहाँ बैठ जाओ पहले, थोड़ा लेट जाओ प्लीज। काव्या को बोलो सांप है उधर, सांप है काव्या, सांप काट जाएगा। दी यहाँ कोई सांप नहीं है, यहाँ गुरप्रीत जी और मैं हूँ दी। आप पहले आराम से बैठिए। क्या हो गया दी आपको, ऐसे क्यों रही आप? काव्या दी 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 मैं हूँ ना यहाँ पे, देखो मैं हूँ। सृष्टि जी मैं डॉक्टर को फोन करूँ? प्लीज जल्दी कीजिए डॉक्टर को फोन। दी आप मुझसे बात करो ना दी, देखो देखो मैं यहीं पर हूँ। हाँ आप मुझसे बात करो, आप बोलो ना आपको क्या याद आ रहा है, आपको आपको जो भी याद आ रहा है मुझे बताइए ना, आप मुझसे बात कीजिए। मैं यहीं रुद्र, 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 काव्या, रुद्र। मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर लिया, बस वो आने वाले हैं। हाँ थैंक यू गुरप्रीत जी। सृष्टि जी ये सांप सांप क्यों बोल रही है? वो एक्चुअली बहुत सालों पहले ना हम एक फ्लाइट में जा रहे थे जहाँ पे एक बंदे ने सांप, उसके सांप कार्गो में थे और वो अचानक से पूरे फ्लाइट में फैल गए और सब पे अटैक करने लगे। कब की बात कर रहे हो आप? तब तब काव्या थी और रुद्र शौर्य का जन्म नहीं हुआ था। अब ये रुद्र कौन है? राजवीर, राजवीर। हाँ काव्या, राजवीर का असली नाम रुद्र है। राजवीर कोई सांप नहीं, राजवीर राजवीर काव्या लूथराउस प्रीता जी पानी लाइए, पानी लाइए जल्दी। यू डिस्कस्टिंग मैन, ये देखा देखा आपने, ये फिर से थूक रहा है। अरे तो तुम वहां से हट जाओ ना। डैड ये मेरा घर भी है, उसको बोलो ना कहीं और थूके। ये थूक नहीं रहा है, ये काव्या का शहर निकाल रहा है। ये जहर थूक रहा है, ये जहर मुझे लग जाता तो मुझे कुछ हो जाता, मैं मर जाता तो। शौर्य प्लीज, ओ गॉड सेक चुप हो जाओ। राजवीर क्या कर रहे हो तुम? ये जो तुम कर रहे हो ना, तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है, तुम पैरालाइज हो सकते हो, तुम मर सकते हो। अरे कोई रोको इसे, इसे कुछ हो गया तो इसकी फैमिली को क्या जवाब देंगे? निधि चुप हो जाओ। मैं तो चुप हो जाऊं, लेकिन मैंने अभी अभी इंटरनेट पे सर्च किया है, ये जो कर रहा है ना, अगर कोई ऐसे जहर निकाले तो उसकी बॉडी पे भी उतना ही असर होता है, इसकी जान जा सकती है। क्या जवाब देंगे हम इसकी फैमिली को, आप ही बताइए। राजवीर अरे हटो, मैं कुछ हो गया तो राजवीर। काव्या शांत हो जाओ आप, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो प्लीज। राजवीर तुम्हें कुछ हो जाएगा, छोड़ो मुझे। आप मुझे छोड़ने कहोगे नहीं तो भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका भाई हूँ, भाई हूँ। आप मुझे जाने कहोगे मैं नहीं जाऊंगा, रुकने कहोगे नहीं रुकूंगा।
बहुत फास्ट गाड़ी चलाना डैड, मैं चला रहा हूँ डैड, मैं ट्रैफिक है, इमरजेंसी, प्लीज प्लीज प्लीज। सॉरी आपने मुझे फोन किया, मैंने उठा नहीं पाया। एक्चुअली वो मेरे बहन घर पर आई थी रक्षाबंधन के लिए और घर में फैमिली फंक्शन वगैरह चल रहा था, सो दैट्स व्हाई मेरा मोबाइल साइलेंट पर था। आई विश कि मैंने मोबाइल अपना साइलेंट पर न रखा होता और फोन उठा लिया होता तो अब तक आपके घर पहुंच भी गया होता। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। माय गॉड यार, मेरे को राइट टर्न लेना था, मैंने मिस कर दिया। क्या कर रहा है यार तू, हमें जल्दी पहुंचना है, काव्या की जान खतरे में और तू गलत मोड़ ले रहा है। सॉरी इतनी ट्रैफिक है, मैं क्या करूं डैड, मुझे ले लिया। मिस लुथरा घर तो जा रहे हैं, बाय द वे क्या आप मुझे उस सांप का फोटो दिखा सकते हैं जिसने आपकी पोती को काटा है? एक्चुअली मुझे पता नहीं कि कौन से सांप ने काटा है। वैसे मैंने अपने साथ सारे एंटीवेनम इंजेक्शन तो ले लिए, लेकिन देखना ये कि कौन सा सांप है, तो अकॉर्डिंगली मैं उनका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। यार मेरा फोन हो गया जरा। मैं तू गाड़ी चला, कॉन्सेंट्रेट कर, मैं देखता हूँ। राजवीर संभालो अपने आप। राजवीर इधर आओ। राजवीर 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 तुम ठीक हो ना? राजवीर राजवीर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैंने मना किया था तुम्हें, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी राजवीर? हम लोग आ गए, डॉक्टर जल्दी आइए। ये क्या हुआ इसको? राजवीर क्या हुआ? डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। राजवीर को क्या हुआ? क्या डॉक्टर ये देखिए, ये वो सांप है जिसने काव्या को काटा है। ये तो सबसे जहरीला सांप है। क्या पता ये कौन सा सांप है? ग्रेट, अगर इस सांप ने किसी को काट लिया ना, शायद ही बच पाए। तब ये सब बाद में डिस्कस करते हैं ना, आप इनको इंजेक्शन दीजिए ना, जल्दी 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 प्लीज जल्दी जल्दी। हाँ अगर कोई बचाने वाला आ जाए और किस्मत में जिंदगी लिखी हो तो शायद बच भी जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर, मेरी बेटी की किस्मत में जिंदगी लिखी है और हमारी किस्मत में ये राजवीर। राजवीर ने सांप का पूरा जहर सक करके काव्या की बॉडी से निकाला है। व्हाट? हाँ इस लड़के ने आपकी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। ऐसा तो कोई अपना भी नहीं करता। मुझे लगता है कि इस लड़के के अंदर भी पॉइजन चला गया है। एनीवेज मैंने इंजेक्शन दे देता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज जल्दी कीजिए डॉक्टर। राजवीर पुत्र आंखें खोल। डोंट वरी दोनों ठीक हो जाएंगे। आप लोग प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए, इन्हें फ्रेश एयर आने दीजिए। जी प्लीज। कुछ नहीं हुआ, ऐसे एक्टिंग कर रहा है। फैमिली की सिंपैथी गेन करना चाहता है। शौर्य चुप हो जाओ। कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे। वक्त की नजाकत को समझ के तो बात किया कर। आज तक मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा दिल दुखे।
तुम्हें बुरा लगे या फिर तुम ये सोचो कि तुम्हारे ही परिवार वाले तुमसे प्यार नहीं करते, इसलिए चुप थे। लेकिन आज आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं सच का आईना तुम्हें दिखाऊं, पूरे परिवार के सामने तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊं। तुम क्या हो? आज आज कौन सा त्योहार है? आज रक्षाबंधन का पावन अवसर है। राजवीर काव्या का मुंह बोला भाई है। लेकिन आज के दिन उसने भाई होने का फर्ज निभाया। मेरी काव्या की जान बचाई उसने। सच कहूं तो यहाँ सबसे बड़ा आज राजवीर हो गया है। अपनों से ज्यादा अपना राजवीर है। शर्म आनी चाहिए तुम। तुम्हारी बहन की जान बचाई, तुम्हें थोड़ा सा भी अप्रिसिएशन या कदर नहीं हो रहा उसके लिए? तुम कह रहे हो कि वो एक्टिंग कर रहा है? आंखें खोलो अपनी शौर्य, तुम्हें तो राजवीर को थैंक यू कहना चाहिए। रियली? हाँ शौर्य, रियली। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? दिखाई देना बंद हो गया तुम्हें? देखना नहीं चाहते या फिर रिश्तों का ऐसा रंग तुम्हें कभी दिखाया नहीं गया है? शौर्य, काव्या तुम्हारी बहन है, उसकी जान पे बनाई थी राजवीर ने उसकी जान बचाई।